सेक्शन 5 और 9 के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें भी संशोधन करकर कुछ और क्षेत्रों को जोड़ने का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने का जो प्रस्ताव लेकर मैं आया हूं, इसके बारे में सदन के सामने मेरा पक्ष रखने का पसंद करूंगा। महोदय, ये बिल जो मैं लेकर आज आया हूं, वो बिल का मूल तत्व ये है कि 2 जुलाई से 6 माह तक जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया जाए। 28 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन यही गृह ने किया था और राज्यसभा का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 20 जिन को महोदय पीडीपी सरकार के पास बहुमत नहीं रहा, जम्मू कश्मीर संविधान के तहत जब बहुमत किसी का नहीं रहता है तो राज्यपाल महोदय सभी दलों से बात करने के बाद राज्यपाल शासन को लेकर आते हैं और जब किसी भी दल ने सरकार बनाने का अपना दावा पेश नहीं किया, कोई बहुमत की स्थिति नहीं बनी, तो राज्यपाल महोदय ने 6 महीने के लिए जम्मू कश्मीर संविधान के तहत राज्यपाल शासन डाला। 21 नवंबर 2018 को कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई, विधायकों की खरीद फरोख और हॉर्स ट्रेडिंग के मामले भी सामने आने लगे और लंबे समय तक अस्थिरता थी, तो राज्यपाल महोदय ने निर्णय किया कि 21 नवंबर 2018 को विधानसभा को भंग कर दिया जाए और 21 नवंबर 2018 को सुनी हुई विधानसभा को भंग करने का निर्णय राज्यपाल महोदय ने लिया। उसके बाद में 9 दिसंबर 2018 को राज्यपाल शासन की अवधि समाप्त होती थी, इसलिए विधानसभा वहां अस्तित्व में नहीं थी। उसको ध्यान में रखकर धारा 356 का उपयोग करते हुए 20 दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन वहां से अमल में है। महोदय, राष्ट्रपति शासन का समर्थन राज्यसभा ने 3 जनवरी 2019 में किया और 3 जनवरी 2019 का जो समर्थन राज्यसभा से प्राप्त था, राष्ट्रपति महोदय को जो अधिकार प्राप्त थे, वो 6 माह के बाद मतलब 2 जुलाई 2019 को पूर्ण हुए। इसलिए मैं ये बिल लेकर, ये प्रस्ताव लेकर सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं कि 6 माह के लिए ये राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी राज्य में विधानसभा का अस्तित्व नहीं है। महोदय, चुनाव आयोग ने भी इसके पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन, भारत सरकार, सभी राजनीतिक दलों से बात कर और वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति और ये दरमियान में आने वाले कुछ, जैसे रमजान आया, अभी अमरनाथ यात्रा आएगी, ये सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने भी निर्णय किया है कि इस साल में बाद में वो चुनाव कराने का फैसला करते हैं और इसको राज्य केंद्र सरकार को सूचित कर दिया। भैया, बोलने का मौका मिलेगा, आप तसल्ली से बोलिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ना मैं टोका टोकी करूंगा, मेरी अपेक्षा है ना आप टोका टोकी। ये महत्वपूर्ण विषय है, देश की जनता के सामने आपके और हमारे दोनों के विचार पहुंच जाए बहुत जरूरी है और लोगों को पता चले कि क्या चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, 7 मई से 4 जून रमजान का पवित्र महीना था, 30 जून से 15 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा होनी है और जिनकी 10% आबादी है ऐसे गुर्जर बकरवाल समुदाय जो पहाड़ियों पर चला जाता है वो लगभग अक्टूबर के बाद ही वापिस आता है, इसलिए इस समय के दौरान चुनाव कराना उचित भी नहीं था, उपयुक्त भी नहीं था और संभव भी नहीं था। इसलिए चुनाव आयोग ने इस वर्ष के अंत में चुनाव कराने का फैसला लिया है, वो उसकी तिथि अभी चुनाव आयोग ने सूचित नहीं की क्योंकि वहां पर विधानमंडल है नहीं, राष्ट्रपति महोदय को 6 महीने से ज्यादा अधिकार ये दोनों सदनों ने दिया नहीं है, तो अब ये निहायत एकदम अत्यंत जरूरी हो गया है कि ये राष्ट्रपति शासन का कालावधि को बढ़ाया जाए और
जब तक 6 महीने का काला अवधि बढ़ेगा।